राहत की खबर, अगले हफ्ते से मिलने लगेगी स्पुतनिक वी वैक्सीन। जुलाई से देश में शुरू होगा उत्पादन। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी के पाल ने कहा कि भारत के बाजार में अगले हफ्ते से स्पुतनिक वी वैक्सीन की बिक्री शुरू हो जाएगी। वहीं उन्होंने एक और बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि जुलाई से इस वैक्सीन का उत्पादन भी भारत में शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि FDA WHO द्वारा अनुमोदित कोई भी वैक्सीन की कंपनी भारत आ सकती है। आयात लाइसेंस एक दो दिनों के भीतर दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोई भी आयात लाइसेंस लंबित नहीं है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी के पाल ने कहा कि आगामी अगस्त से दिसंबर यानी कि 5 महीने के बाद देश के पास 216 करोड़ वैक्सीन डोज होंगे। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए बड़ी जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार देश के 18 राज्यों में संक्रमण दर अब भी 20% से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से भी ज्यादा सक्रिय मामले हैं। 8 राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच सक्रिय मामलों की संख्या बनी हुई है। 16 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से भी कम सक्रिय मामलों की संख्या बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार देश में अब तक 83.26% मामले ठीक हुए हैं। देश में करीब 37.1 लाख सक्रिय मामलों की संख्या बनी हुई है। 3 मई को रिकवरी रेट 81.3% थी, जिसके बाद रिकवरी में सुधार हुआ है। पिछले 24 घंटों में देश में 3,62,727 मामले दर्ज किए गए हैं। अगर हम इस सीन को लेकर चले, डोसेज भारत में निर्मित होंगी, अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोसेज इन अ मैटर ऑफ 7-6 मंथ्स और या 5 मंथ्स एक्चुअली विल बी मेड इन इंडिया, फॉर इंडियन, फॉर इंडिया, फॉर पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी।